Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So, आज हम होंगे दिवाली के लिए रेडी. रेडी होने के लिए सबसे पहले अपने बाल को इस तरीके से बैक कर ले ताकि प्रॉब्लम ना करे, बार बार वो फेस पे ना आए. मैंने ये पिंक साड़ी पहनी है तो इसके लिए मेकअप शुरू करते हैं. सबसे पहले ये लोटस का टोनर लगाएंगे. इसके लगाने से पोर्स बंद हो जाते हैं तो सबसे पहले यही लगाएंगे. उसके बाद मैंने यहाँ लोटस का ही सीरम लिया है. सीरम से अच्छे से 3 ड्रॉप से अच्छे से अपना फेस के पोर्स को पैक कर लें और डीपली मॉइस्चराइज कर लें. उसके बाद इसे अच्छे से टैप करके पूरे फेस को कवर कर लें. फिर मैंने यहाँ लोटस का ही मॉइस्चराइज़र लिया है, डे क्रीम मॉइस्चराइज़र. ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है. मेरा फेस विंटर में थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो अगर आपका भी स्किन ड्राई हो तो अच्छे से मॉइस्ट कर ले अपने फेस को, पूरे अच्छे से कवर कर ले. ये लोटस का मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, स्किन बिल्कुल ग्लोई बना देता है. फिर मैंने यहाँ अपने लिप को मॉइस्चराइज़ किया है वैसलिन से. इसे थोड़ा मसाज कर ले और अच्छे से लिप पे लगा ले. थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे. रेवलॉन का मैंने यहाँ फाउंडेशन लिया है. मैंने यहाँ प्राइमर यूज़ नहीं किया है क्योंकि सिरम और मॉइस्चराइज़र पहले ही लगा चुके हैं तो अभी डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ करेंगे. इसे भी टैप करके लगाएं. फाउंडेशन पूरे फेस पे नहीं लगा लेना है, इसे कहीं कहीं पे लगाना है और फिर ब्रश की हेल्प से इसे कवर कर लेना है. नहीं तो हर जगह लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेकअप दिखेगा और इतना मेकअप बिल्कुल ही नकली जैसा लगेगा, बिल्कुल भी नेचुरल लुक नहीं देगा. फिर मैंने यहाँ इसे ब्रश से अच्छे से कवर किया है पूरे में, अपने फेस पे पूरे तरीके से फैला दे. और उसके बाद फिर नेक पे भी यूज़ करें और हल्का सा ईयर्स के पास भी यूज़ करें. आईज़ के ऊपर भी अच्छे तरीके से लगा ले और पूरा अच्छे से पैक कर ले ब्रश की ही हेल्प से. आप यहाँ स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हो. फाउंडेशन यूज़ करने के बाद आप कोई भी कॉम्पैक्ट लगाएं. मैंने यहाँ रेवलॉन का लिया है. फाउंडेशन लगाने के बाद उसे कॉम्पैक्ट से पैक कर दें ताकि वो थोड़ा आपके फेस पे सील हो जाए. नेक पे जो फाउंडेशन लगाया है उस पे भी अच्छे से पैक कर ले फाउंडेशन को और ईयर्स तक ले जाए. फिर यहाँ ब्लश यूज़ करेंगे. तो यहाँ स्विस ब्यूटी का मैंने ये ब्लश पैलेट लिया है. इसमें कॉन्टोर है तो सबसे पहले कॉन्टोर करेंगे, उसके बाद फिर ब्लश करेंगे. ये थोड़ा सा लिया और एक्सेस को निकाल दिया. फिर यहाँ लाइनिंग करेंगे लिप के पास से ईयर्स के ऊपर पॉइंट तक, दोनों तरफ करेंगे. और फिर इसे बड़े ब्रश की हेल्प से नोज़ पे भी करेंगे और फिर इसे बड़े ब्रश के हेल्प से ब्लेंडिंग करेंगे. अच्छे से ब्लेंड करें, चारों तरफ ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. चाहे वो ब्लश हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो आई शेडो है, ब्लशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें प्रो हो जाएंगे आप मेकअप करते करते. सो नाउ एज आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल पिंक साड़ी तो इससे मैचिंग करता हुआ आई शेडो लगाएंगे. ये डार्क कलर का आई शेडो लगाएंगे. कॉर्नर से शुरू करते हुए हम आगे की ओर जाएंगे ताकि डार्क कॉर्नर पे आ जाए और लाइट कलर अंदर की ओर रहे. तो मेरे ब्रश में यहाँ ज़्यादा था, मैंने यहाँ दूसरे आईज पे भी यूज़ कर लिया. और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे. तो डार्क पिंक दोनों आईज़ में लग चुके हैं. अब मैं यहाँ दूसरा वो ब्लश वाला पैलेट लूँगी जिसमें से ये वाइट कलर का, ये वाइट कलर का मैं पिंक के साथ इसे थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी. ये थोड़ा शाइनी लुक भी दे देगा आईज़ पे.
इस तरीके से दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर ले। आइस के कॉर्नर पे यूज़ कर ले, आइस के नीचे भी हम थोड़ा यूज़ करेंगे, वरना आइस थोड़ा ऐसा अधूरा अधूरा सा लगता है आइस मेकअप। अब ये आई शेडो हो गया है तो ग्रीन कलर का भी इसमें कुछ टच देंगे। तो मैंने यहाँ लैक्मे का एब्सोल्यूट ग्रीन ग्लॉसी आईलाइनर लिया है और अब इसे प्यार से धीरे धीरे अपने आईज पे लगाएंगे। आईज मेकअप यहाँ कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ मैं लिपस्टिक लेना भूल गई थी तो मैंने यहाँ लिपस्टिक लिया है, ये अपने साड़ी से मैचिंग करता हुआ लिपस्टिक। ये देखो ये बिल्कुल मैच करता है, इसका नाम नीचे देख लो। इसे भी बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे आराम से अपने लिप को कलर करें, अच्छे से लगाएं। लैक्मे का आइकॉनिक काजल यहाँ लगा रही हूँ। यहाँ काजल लग के रेडी हो चुका है तो अब लगाना है हमें मस्करा, कोलोसल का मस्करा। आप अगर बिगनर्स हो नहीं लगा पा रहे हो अच्छे से तो ऐसे करो, चिन को थोड़ा ऊपर डालो, आईज नीचे मिरर पे सामने रखो और फिर उसे अपने पलक पे यूज़ करो। इस तरीके से आईज नीचे रहेगा तो अच्छे आसानी होगा यूज़ करने में। नीचे भी लगा ले। और फिर मैंने यहाँ हाइलाइटर लिया है, अपने चीक्स पे ब्रोंज कलर के लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया है मैंने। थोड़ा सा हाइलाइटर अपने नोज पे भी लगा ले, अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ा आईब्रोज पे, मिडिल में, कॉर्नर पे, इस तरीके से ग्लोई स्किन लगेगा। और ये हो गई मैं रेडी। अब चलते हैं हेयर्स की तरफ। हेयर्स में मैंने यहाँ कुछ खास नहीं किया है, मैंने सिंपली यहाँ थोड़ा सा मांग ले करके और ये मेसी तरीके से क्लचर मैंने यूज़ किया है। ओ या, मैंने बिंदी लगाया है पहले। बिंदी लगा के मैरिड लुक को एक कंप्लीट लुक मिलता है। फिर यहाँ कंघी मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने अपने उंगली से ही मेसी तरीके से क्लचर यूज़ किया है। छोटा सा क्लचर ले और इसे अच्छे से लगा ले। फिर एक पिन की हेल्प से यहाँ अपने हेयर को थोड़ा मेसी ही रखने के लिए मैंने यहाँ एक क्लिप यूज़ किया है। सम ज्वेलरी टाइम। ये यहाँ बहुत साइन कर रहा है, अदरवाइज़ इसमें पिंक कलर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये नेक पे डाला है। नाउ बैंगल्स। अब हो गई मैं रेडी। सो गर्ल्स, अगर आपको मेरी ये लुक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करो। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी धनतेरस ऑल ऑफ यू। बाय बाय।